नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 6 जून 2022 का वाक्या है। रात के करीब 3 बजे थे। थाटीपुर के अत्यंत पौश इलाके रामनगर में सन्नाटा पसरा हुआ था। गर्मी के चलते लोग घरों के भीतर एसी कूलर चलाकर गहरी नींद में सोए हुए थे। इन्हीं में एक परिवार कृष्णकांत भदौरिया का भी था, जो एक आलीशान कोठी में रहता था। इस कोठी में उनका बेटा ऋषभ, पुत्रवधु भावना अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहती थी। परिवार संपन्न और खुशहाल था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कोई बड़ी डिग्री ना होने के कारण ऋषभ को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी थी, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर नेतागिरी करने लगा था। इसके साथ ही जोर जुगत बैठाकर पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता तक बन बैठा था। इसके अलावा वो वक्त गुजारने और पैसा कमाने के मकसद से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम भी करने लगा था, इसलिए दिन में उसका वक्त घर के बाहर ही गुजरता था। ऐसी स्थिति में घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी पत्नी भावना निभाती थी। दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर पर भावना दिन भर अकेले रहती थी, जिससे उसे बोरियत सी होने लगी थी। टाइम पास करने के लिए उसकी सहेली ने उसे मोबाइल पर रिश्तेदारों और सहेलियों से बातचीत कर वक्त बिताने की सलाह दी। ये सलाह भावना को बेहद पसंद आई। अब भावना का ज्यादातर समय मोबाइल फोन पर बातचीत में बीतने लगा। कभी कभी वो मोबाइल फोन पर बातचीत में इतना खो जाती कि उसे पति ऋषभ की भी चिंता नहीं रहती। पति का फोन आता तो कई बार वो उठाती ही नहीं। उधर बार बार फोन करने पर भी जब भावना कॉल रिसीव नहीं करती तो ऋषभ के दिल की धड़कनें बढ़ जाती। उसे लगता कि कहीं भावना कौशलेंद्र से बात तो नहीं कर रही। ये सोचकर वो परेशान हो उठता। शहर के हर्षनगर में रहने वाला कौशलेंद्र ऋषभ के बचपन का दोस्त था। काफी देर बाद जब वो पति को फोन लगाकर बताती कि मैं अपने पिताजी से बात कर रही थी इसलिए आपका फोन नहीं उठा सकी, तब कहीं जाकर ऋषभ को तसल्ली मिलती। ऋषभ ने भावना से स्पष्ट तौर पर कह रखा था कि 1-2 घंटी बजने के बाद वो उसका फोन जरूर उठा लिया करे, क्योंकि फोन नहीं उठाने पर उसे घबराहट होने लगती है। लेकिन भावना ने ऋषभ की इस बात पर कतई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी सहेलियों और नाते रिश्तेदारों से मोबाइल पर घंटों बातें करने में मशगूल रहती। इस बीच जब कभी ऋषभ का फोन आता वो उसे कबाब में हड्डी सा लगता। भावना की इस हरकत से ऋषभ को शक हो गया कि भावना उससे छिपाकर किसी और से बतियाती है। ऋषभ को भावना का इस तरह मोबाइल पर बतियाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन भावना पति की नसीहत को जरा भी अहमियत नहीं देती थी। वो पति की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। वैसे भी शक की फांस बहुत खतरनाक होती है। इसे जल्द ही दूर ना किया जाए तो वो मजबूत से मजबूत दाम्पत्य जीवन में भी दरार पैदा कर सकती है। भावना अपने दाम्पत्य में लगी इस फांस को गंभीरता से नहीं ले रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि इस बात को लेकर उसकी पति से अक्सर नोकझोंक होने लगी। इसकी वजह ये थी कि ऋषभ घर से बाहर होने पर जब कभी भी पत्नी के मोबाइल पर फोन लगाता, हर बार उसका फोन व्यस्त ही मिलता था। ऐसा अनेक बार होने पर ऋषभ के मन में शक बैठ गया कि वो जरूर उसके बचपन के जिगरी दोस्त कौशलेंद्र से बतियाती है। बाद में जब घर लौटकर ऋषभ भावना से मोबाइल फोन के बिजी होने की वजह पूछता तो वो कह देती कि सहेली से बात कर रही थी। इस तरह ऋषभ के मन में शक की जो फांस लगी थी वो नासूर बनती जा रही थी। धीरे धीरे भावना और ऋषभ के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से ऋषभ उखड़ा उखड़ा सा रहता था। इस तनाव की वजह से पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नामात्र के थे। दूरियां बढ़ने की अहम वजह सिर्फ इतनी थी कि ऋषभ अपनी पत्नी पर शक करने लगा था कि उसका झुकाव कहीं उसके बचपन के मित्र कौशलेंद्र की ओर है। इसी शक के चलते उसे जब भी मौका मिलता वो पत्नी के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करता रहता था। कोई भी नंबर उसे अनजान लगता तो वो उसे लेकर भावना के साथ झगड़ा और मारपीट करता था। इन सब के बीच एक खास वजह ये भी थी कि वो ये भी समझ चुका था कि उसकी हकीकत पत्नी के सामने खुल चुकी है, यानी वो उसकी आपराधिक छवि को भी जान चुकी है। भावना को जैसे ही पता चला कि उसका पति
आपराधिक छवि का है तो उसके दिल को काफी ठेस पहुंची। उसने पति को समझाने की भरसक कोशिश की कि वो गुनाह के रास्ते छोड़कर अच्छे रास्ते पर चले, पर वो भावना की बात को महत्व नहीं देता था। जब भावना यही बात बार बार कहती तो वो उसकी पिटाई कर देता। भावना पति के तुनक मिजाज और सक्की स्वभाव से आजीज आकर अक्सर गुस्से में दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती थी और अपने पिता महेश सिंह को सारी बात बता देती थी। बेटी की बात सुनकर महेश सिंह को काफी दुख होता था। तब महेश सिंह नाराज होते हुए दामाद ऋषभ को कड़ी फटकार लगाते थे। ऐसा कई बार हुआ था। हालांकि इसके बाद भी महेश सिंह 10-15 दिन बाद ही बेटी को समझा बुझाकर ससुराल भेज देते थे। 6 जून 2022 की रात को भी ऋषभ और भावना के बीच कहासुनी हुई। भावना ने पति को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन ऋषभ उस पर कुछ ज्यादा ही भड़क गया। उन दोनों के बीच तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसी दौरान ऋषभ ने पत्नी पर पिस्तौल तान दी। भावना समझ गई कि पति के सिर पर खून सवार है। वो बचने के लिए बेडरूम से बाहर निकलकर लॉन की तरफ भागी। वो चीखती उसके पहले ही ऋषभ ने उसके सिर को निशाना बनाकर फायर कर दिया। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि रिश्तों की गहराई और परिवार की मर्यादा को भूलकर एक के बाद एक 3 गोलियां पत्नी के सिर पर मार दी। गोलियां लगने से भावना लॉन में ही ढेर हो गई। इसके बाद वो हथियार और अपनी जरूरत का सामान लेकर वहां से फरार हो गया। ऋषभ ने अनायास ही एक ऐसी घटना को अंजाम दे डाला जिसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। रात 3 बजे जब इलाके के सभी लोग सो रहे थे, तभी चीखने चिल्लाने की शोर से लोगों की आंखें खुल गई। शोरगुल सुनकर घबराए लोग अपने अपने घरों से बाहर आए तो कृष्णकांत भदौरिया को बदहवास हालत में रोते बिलखते देखकर हैरान रह गए। वो ऋषभ के दोनों मासूम बच्चों की उंगली पकड़े हुए जोर जोर से रोते हुए कह रहे थे, मेरी मदद करो, मेरे बेटे ऋषभ ने अपनी पत्नी भावना की गोली मारकर हत्या कर दी है। कृष्णकांत भदौरिया जो कुछ कह रहे थे उसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। इसी दौरान किसी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। कुछ देर में वहां थाना थाटीपुर पुलिस भी आ गई। पुलिस के आने पर कुछ लोग हिम्मत करके उनकी आलीशान कोठी में दाखिल हुए तो वहां की स्थिति देखकर उन सभी की आंखें हैरत से फटी रह गई। भावना का शव कोठी में कमरे के बाहर लॉन में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। हत्या का मामला था। अब तक पूरी रामनगर सोसाइटी के लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो चुके थे। इस बीच ऋषभ के पिता कृष्णकांत भदौरिया ने घटना की सूचना अपने समधी महेश सिंह को दे दी। मामला शहर के पॉश इलाके रामनगर के रहने वाले बहुचर्चित कांग्रेसी नेता से जुड़ा हुआ था, जिसमें उसने अपनी पत्नी भावना की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या करके वो फरार हो गया था। CSP ऋषिकेश मीणा और TI पंकज त्यागी घटना स्थल पर जांच कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही एडिशनल SP राजेश दंतोतिया, फोरेंसिक एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारियों ने भी घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और क्राइम सीन को समझा। पुलिस टीम के पहुंचने तक रामनगर के बासिंदे काफी बड़ी संख्या में भदौरिया के घर के सामने जुट गए थे। सभी लोग भावना के मासूम बच्चों के बारे में सोच सोच कर परेशान थे। इधर हत्यारे के पिता कृष्णकांत भदौरिया की हालत सदमे के कारण कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। पड़ोसी उन्हें सांत्वना देकर जैसे तैसे संभाल रहे थे। पुलिस ने घटना स्थल की औपचारिक कार्रवाई निपटाने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस को ये तो पता लग चुका था कि भावना की हत्या उसके पति ऋषभ ने की है, इसलिए ऋषभ के खिलाफ उसके ससुर महेश सिंह की तहरीर पर थाना थाटीपुर में धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी कांग्रेस नेता ऋषभ पर ₹10,000 का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इसी बीच SP अमित सांगी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे ऋषभ भदौरिया को उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के बेवर कस्बे में देखा गया है। ये सूचना मिलने के बाद SP ने बिना देर किए एडिशनल SP राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर संतोष यादव व थाटीपुर TI पंकज त्यागी को शामिल किया गया। उन्होंने टीम मैनपुरी रवाना कर दी। आखिर पुलिस टीम द्वारा ऋषभ भदौरिया को हत्या के 21 दिन बाद उसके ही रिश्तेदार के घर से हिरासत में ले लिया गया। उसने बताया कि पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किए जाने के बाद से उसे एनकाउंटर का भय सता रहा था।
पुलिस टीम उसे बेवर से ग्वालियर ले आई। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल व खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए। इसके अलावा पुलिस ने उसके पास से वो क्रेटा कार भी बरामद कर ली, जिसमें बैठकर वो पत्नी की हत्या के बाद फरार हुआ था। प्रारंभिक जांच में ही पुलिस को पता चला कि 10 मई 2022 की रात को भी ऋषभ ने अपने बचपन के जिगरी दोस्त कौशलेंद्र कुशवाहा पर 5 राउंड फायर किए थे। ऋषभ के खौफ के चलते वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने का साहस नहीं जुटा सका था, लेकिन जैसे ही ऋषभ अपनी पत्नी को मारकर फरार हुआ और उस पर इनाम घोषित हुआ, तो हर्षनगर निवासी कौशलेंद्र कुशवाहा थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गया था। हत्या के आरोपी कांग्रेसी नेता ऋषभ भदौरिया पर पहले से हत्या व हत्या के प्रयास सहित 14 मामले दर्ज है। अब पुलिस उस पर NSA लगाने की तैयारी में लगी हुई थी। ऋषभ को सुंदर और सुशील पत्नी मिली थी, ससुराल भी अच्छी थी, 2 सुंदर बच्चे भी थे, लेकिन शक के नासूर ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ कर रख दिया। पत्नी को मारकर वो जेल चला गया, जिससे उसके मासूम बच्चे अनाथ हो गए। ऋषभ के अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।